नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज फिर लेकर आया हूं एक बहुत अच्छी स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी, जिसका टाइटल है द कारपेंटर। कारपेंटर का मतलब क्या होता है? बढ़ई, जो लकड़ी बनाने का, मतलब लकड़ी से जो सामान बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, लकड़ी का जो काम करते हैं उसे हम कारपेंटर कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो भाई हैं, और यहाँ पर क्या होता है, कैसे होता है, आपको अभी पता चलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। पसंद आने पर प्लीज़ लाइक करेंगे, बहुत ही छोटी स्टोरी है, जल्दी से एंडिंग हो जाएगी और बहुत सारे नए वर्ड्स की मीनिंग भी आपको जानने को मिलने वाला है। सबसे पहला लाइन देखते हैं। वंस, एक बार, टू ब्रदर्स लिव्ड ऑन एडजॉइनिंग फार्म। अब यहाँ पर भी देखिए फार्म्स, दो भाई, ठीक है, दो भाई लिव्ड रहते थे ऑन यानि पर, एडजॉइनिंग, तो ये थोड़ा सा नया आप लोग के लिए हुआ। एडजॉइनिंग का मतलब होता है साथ में लगा हुआ या फिर जुड़े हुए, ठीक है। तो साथ में लगा हुआ फार्म्स, फार्म्स आपसे बोल, फार्म्स आने होता है खेत, खेतों में रहते थे दो भाई। फिर क्या हुआ? वन डे, एक दिन, दे हैड अ क्वारल यानी उनके बीच क्या हुई, एक झगड़ा हुआ, उनके बीच एक झगड़ा हुआ। एंड स्टॉप्ड स्पीकिंग, और स्टॉप्ड यानी रोक दिया, स्पीकिंग यानी बात करना बंद कर दिया। डेज लेटर, दिनों बाद, यानी कुछ दिनों बाद, समझ लीजिए दिनों बाद, अ कारपेंटर सेड टू द एल्डर ब्रदर, एक बढ़ई सेड यानी कहा टू द एल्डर ब्रदर, तो किससे कहा? एल्डर यानी होता है बड़ा, ब्रदर यानी भाई, बड़े भाई से कहा। दो भाई में लड़ाई हुई तो बड़े भाई से क्या कहा, देखिए कारपेंटर ने, आई एम लुकिंग फॉर सम वर्क, ठीक है, आई एम लुकिंग, मैं देख रहा हूँ, इज ए मार के साथ ing form, तो रहा हूँ, रही हूँ, इस प्रकार से, मैं देख रहा हूँ फॉर सम वर्क यानी कुछ काम के लिए, यानी मैं कुछ काम देख रहा हूँ, कुछ काम ढूंढ रहा हूँ, इस प्रकार से इसका मतलब होगा, मैं कुछ काम देख रहा हूँ। द एल्डर ब्रदर सेड, तो बड़े भाई ने कहा, लुक अक्रॉस द क्रीक एट दैट फार्म, लुक अक्रॉस, अक्रॉस यानी होता है के पार, उसके पार, किसके पार, देखो उसके पार, किसके पार, देखिए आगे, द क्रीक, अब क्रीक यानी क्या होती है, छोटी नदी, जैसे नहर होता है ना, उसी प्रकार की छोटी नदी होती है, उसे हम क्रीक बोलते हैं, बहुत ज़्यादा चौड़ाई नहीं होती तो क्रीक कहा जाता है, ठीक है। तो छोटी नदी के उस पार देखो, एट दैट फार्म, उस खेत में, ठीक है, उस खेत पर देखो जो क्या है, नदी के उस तरफ है, उधर देखो, तो उसे दिखा रहे अपने भाई का खेत को, नदी के उस तरफ जो खेत है उसे देखो। दैट इज माई यंगर ब्रदर्स, वो है मेरे छोटे भाई का, यानी कि वो जो खेत है वो किसका है, मेरे छोटे भाई का खेत है। और फिर क्या बोल रहा है, देखिए, आई वॉन्ट यू टू बिल्ड मी अ फेंस, आई वॉन्ट यू टू, मैं तुमसे चाहता हूँ, टू बिल्ड यानी बनाने के लिए, ठीक है, क्या बनाना, मी यानी मेरे लिए, अ फेंस, एक फेंस यानी होता है बाड़ा, जैसे बाउंड्री वॉल बोलते हैं ना, उसे ही फेंस इंग्लिश में कहा जाता है, बाउंड्री वॉल समझ लीजिए। तो मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए क्या करो, एक बाड़ा बनाओ। सो आई वॉन्ट नीड टू सी हिज फॉर्म, सो ताकि या फिर तो, आई वॉन्ट नीड, वॉन्ट क्या होता है, विल नॉट होता है, उसको शॉर्ट में वॉन्ट बोल देते हैं, आई won't need to see his form। तो इसका मतलब क्या होगा कि मुझे उसकी फॉर्म देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना, तब क्या होगा, मुझे उसकी फॉर्म देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर तुम क्या कर देते हो, बाड़ा बना दोगे, तो नीड यानी ज़रूरत। द कारपेंटर नोडेड हिज हेड, तो कारपेंटर ने बढ़ाई नहीं किया, नोडेड, अब यहाँ पर भी जिसे नहीं पता, नोडेड यानी होता है हामी में सिर हिलाना, ऐसे सिर को हाँ बोल के हिलाते हैं ना आगे की तरफ, तो उसे नोडेड बोलते हैं, हाँ के लिए सिर है नोडेड, तो उसने अपना सिर हिलाया, हाँ बोला, समझ लीजिए, हिज हेड, अपने सिर को। ही वर्कड हार्ड ऑल डे, उसने वर्क यानी काम करना, वर्कड यानी काम की, ठीक, काम किया, हार्ड यानी कठिन, बहुत कठिन काम किया ऑल डे, पूरे दिन बहुत कठिन काम किया। व्हेन द एल्डर ब्रदर केम आउट, जब बड़ा भाई केम यानी आया, आउट यानी बाहर आया, ही वॉज सॉग्ड, वह हैरान था, सॉग्ड यानी हैरान, वॉज यानी था, हैरान था, इंस्टेड ऑफ द फेंस, ठीक है, फेंस के बजाय, इंस्टेड यानी के बजाय, ऑफ द फेंस यानी कि बाड़े के बजाय,
द कारपेंटर हैड मेड अ ब्रिज. कारपेंटर ने क्या किया, हैड मेड यानी बना दिया अ ब्रिज. भाई उसे कहा था एक बाड़ा बनाइए दोनों के खेत के बीच में, तो उसने क्या कर दिया, बाड़ा ना बना के उसने एक ब्रिज बना दिया. ब्रिज आप सभी को पता है पुलिया, पुल उसे ब्रिज कहते हैं. उसने ब्रिज बना दिया जो दोनों घर को जोड़ देता था. कनेक्टिंग, देखिए कनेक्टिंग है जो जोड़ता था. बोथ द फॉर्म्स, बोथ यानी दोनों, द फॉर्म दोनों खेतों को जो जोड़ता था, वैसा उसने क्या कर दिया, ब्रिज बना दिया, पुल बना दिया. एट दैट मोमेंट, ठीक है, एट दैट मोमेंट यानी क्या होगा इसका मतलब, उस समय, ठीक है, उस समय द यंगर ब्रदर केम हियर. छोटा भाई केम यानी आया, सॉरी देयर लिखा, देयर यानी वहां. छोटा भाई वहां आया एंड हग्ड द ब्रदर, और हग करना यानी होता है गले लगाना. हग्ड पास्ट टेंस यानी गले लगाया, ठीक है, और गले लगाया द ब्रदर, भाई को गले लगा लिया. ही सेड, उसने कहा, देखिए कहा क्या कहा उसने, ब्रदर भाई आई एडमायर यू फॉर बिल्डिंग दिस ब्रिज. आई एडमायर, एडमायर यानी प्रशंसा करना, तारीफ करना. मैं प्रशंसा करता हूँ आपकी फॉर बिल्डिंग यानी बनाने के लिए, दिस ब्रिज इस पुल बनाने के लिए मैं आपकी तारीफ करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ. आफ्टर ऑल, आखिरकार दैट वॉज सेड एट डन, ठीक है, जो क्या क्या हुआ था कि उसने जो कहा था वो हो गया, ठीक है. बोथ वर वेरी हैप्पी, दोनों वर यानी थे, वेरी यानी बहुत, हैप्पी यानी खुश, दोनों बहुत खुश थे. व्हेन द एल्डर ब्रदर लुक्ड अराउंड टू, ठीक है, जब बड़े भाई ने लुक्ड यानी देखा, अराउंड यानी चारों तरफ या आसपास, ठीक है, टू थैंक द कारपेंटर, थैंक यानी धन्यवाद देना, द कारपेंटर. जब बड़े भाई ने आसपास देखा कि भाई कारपेंटर को धन्यवाद दूं, अगर उसने बाड़ा बना दिया होता तो भाई हम तो अभी तक के हमेशा के लिए अलग हो जाते, लेकिन उसने क्या कर दिया, पुलिया बना दिया, भाई ब्रिज बना दिया. और मेरा भाई, मेरे भाई को ऐसे लगा कि ब्रिज मैंने बनाया उससे मिलने के लिए, और देखिए मेरे भाई मुझसे मिलने आ गया, यानी कि दोनों की समझ लीजिए जो भी उनके बीच रहा होगा मतभेद, गिले शिकवे, वो दूर हो गए. तो उसने देखा तो कारपेंटर नहीं दिखा, ही हैड डिसअपीयर्ड, ठीक है. डिसअपीयर्ड का मतलब क्या था, डिसअपीयर्ड मतलब होता है अदृश्य हो जाना, गायब हो जाना, वहां से नहीं दिखना. तो वो वहां से चला गया था, गायब हो गया था. फॉर ही हैड अदर ब्रिज टू बिल्ड, ठीक है. फॉर ही हैड यानी क्या होता है कि उसे क्या था, दूसरा ब्रिज, अदर ब्रिज यानी होता है अन्य ब्रिज या दूसरा पुल, क्या था, टू बिल्ड यानी उसे क्या था, बनाना था. ही हैड, उसके पास था दूसरा पुल बनाने के लिए. भाई उसने एक पुल तो बना के इन दोनों का तो काम मतलब सही कर दिया, तो यहाँ पे लिखा गया उसके पास और दूसरा ब्रिज था बनाने के लिए. तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके पास एक और काम था ऐसे बिछड़े हुए को मिलाने के लिए, भले वो पुलिया बनाए चाहे कैसे भी करे, उसका काम मान के चलिए वही था. कारपेंटर हो सकता है भगवान के रूप में आया हो या कोई सज्जन रहा हो जो यही काम करता हो, लोगों को देखता हो कि हाँ क्या परेशानी है, उनसे काम मांगता हो और उनका मतलब काम बना देता हो. तो इससे मोरल क्या मिलती है, गुड पीपल ऑलवेज लव टू हेल्प, अच्छे लोग हमेशा, ठीक है, मदद करने, लव टू हेल्प यानी मदद करना पसंद करते हैं. लव यानी प्यार भी होता है लेकिन पसंद करना भी होता है. तो अच्छे लोग क्या करते हैं, हमेशा मदद करना पसंद करते हैं. भाई हो सकता है कई लोग आप सभी जानते हो नमक मिर्ची लगा के और जला जला के भड़का भड़का के अलग करवा देते हैं, लेकिन कारपेंटर को देखिए चाहे तो बाड़ा बना देता, सीधा सीधा पैसा तो मिलता ही वैसे भी, लेकिन उसने सोचा क्यों ना कुछ ऐसे काम करूं कि दोनों भाई है ना जो कि अलग हो रहे हैं एक साथ आ जाएं. उसने ब्रिज बनाया और देखिए उस भाई को लगा कि भाई भाई ने मेरे लिए ऐसे किया है, तो उसने आ गया, गले लगाया, गले लगाया, तो बड़े भाई का भी जो भी उसका मन में था वो भी क्या हो गया, दूर हो गया गिले सिक पे, और दोनों एक साथ रहने लगे. तो भाई इस कारपेंटर की तरह बनिए. कभी भी कहीं भी रिश्ता टूट रहा है आपका या किसी और का, तो वहाँ पे आप नमक मिर्ची लगाने का काम मत कीजिए और रिश्ता को तोड़ने की कोशिश ना कीजिए. कोशिश कीजिए कि थोड़े बहुत हो सके झूठ बोलकर या थोड़े बहुत अपने मन से कुछ बात बोलकर, लेकिन उन दोनों की बात बना दे. कुछ अच्छे काम के लिए झूठ बोलना पड़े या कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ गलत तरीका अपनाना पड़े तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि आप अच्छे के लिए कर रहे हैं, बुरे काम के लिए तो नहीं कर रहे हैं. तो हमेशा लोगों को जोड़ने का काम कीजिए, तोड़ने का नहीं. तो ये थी आज की स्टोरी, छोटी सी थी. आप सभी को छोटी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ यदि पसंद आई हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे.
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इसका स्क्रीनशॉट आपको कम्युनिटी में, इसके अलावा फेसबुक पेज में मिल जाएगा। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।